पहाड़ों में ना पल पल मौसम बदलता है। अभी अच्छी खासी धूप धूप थी एंड देखते देखते विद इन 10-15 मिनट्स बूंदाबांदी शुरू। बादल तो है वैसे तगड़े, हो सकता है बारिश हो, आई डोंट नो। बाहर जाने का तो प्लान है, जाके थोड़ा सा सोचा तो जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, बट देखते हैं। आई थिंक आई हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। पीछे का व्यू देख लो गाइस, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, नज़ारा बहुत ही सही है। दिस होल प्लेस इज एब्सोल्युटली मैजिकल। दैट इज द होम स्टे वेयर आई एम स्टेइंग एट, और कुछ इस तरह से दिखता है गाँव ये। अभी चलते हैं नीचे की ओर, जाके देखते हैं नदी की तरफ जा सकते हैं या नीचे बसपा रिवर के पास में। चलो अब तो फोटो सेशन भी हो गया, आइकॉनिक साइड। इट्स टाइम नाउ टू विजिट हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चितकुल, दैट्स अ बोर्ड। चलते हैं जाके कुछ खाते हैं या फिर चाय पीते हैं, देखते हैं जो भी मन करेगा। नॉट श्योर अबाउट द फूड, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, बट द व्यू फ्रॉम हियर इज नथिंग। देखते हैं कैसे देश है। इन्होंने बटर तो डाल दिया और बटर ठीक है, राजमा चावल कड़ी चना दाल और थोड़ी सी दही स्टार्ट राजमा चावल चना लाजवाब। पता नहीं मुझे भूख लग रही है या फिर वेदर है या क्या है, दिस होल कॉम्बिनेशन इज रियली वर्किंग वेल। दिस वेदर, दिस नज़ारा एंड देन द खाना, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। खाना खाने के बाद अभी मन तो बना लिया है नीचे जाने का, नियर बसपा रिवर। थोड़ा सा स्टीप है एंड इट्स रेनिंग ऑल्सो, होप इट्स नॉट टू स्लीपरी। चलते चल के एक बार देख लेते हैं। बाय द वे वेदर कम्प्लीटली फॉगी हो गया है, आई एम सीन नथिंग। थोड़ा सा स्टीप तो है ये, ठीक है नॉट बैड, मतलब ताकि चल के जा सकता हूँ। पहाड़ों में ऐसे ही तो होता है। पहुंचा नीचे आके देखते हैं कैसा व्यू यहाँ से, थोड़ी सी ढलान है चल के आना पड़ता है, ठीक है ठीक है, इट इज ऑल वर्थ इट। नज़ारा यहाँ से इज लाइक अनबिलीवेबल, सो पीसफुल। बसपा रिवर की ये जो पहाड़ है इसका जो साउंड है, इसे म्यूजिक से कम नहीं है ये। Good morning everyone, today is the day 4 of my Spiti trip. और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है चितकुल से।
कल मुझे यहीं पे रुकना पड़ा मजबूरन, क्योंकि कल जब मैं निकला सांगला से, बाइक तो ठीक थी बट 6 किलोमीटर बिफोर चितकुल टायर फ्लैट हो गया। अभी पता नहीं एग्जैक्टली क्या रीज़न है, बहुत लोगों ने कोशिश किया, एटलीस्ट 3-4 लोगों ने अलग अलग एयर पंप से ट्राई किया, और डियो ग्रुप का जो बैकअप व्हीकल है उन्होंने तो इनफैक्ट ट्यूब ओपन करके पंक्चर्स भी चेक किए, पंक्चर्स भी नहीं थे, बट पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है बाइक के साथ में, बिल्कुल एयर नहीं पकड़ रही है। तो अभी मैंने सांगला से एक पिकअप ट्रक मंगवाया है, दिल रीच एनी मोमेंट। तो प्लान ये है कि यहाँ से निकलेंगे जैसे ही ट्रक पहुँचता है, एंड देन बाइक को लोड करेंगे पिकअप ट्रक में, सांगला तक लेके जाएंगे, और सांगला में एक बार चेक करवाएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, या वॉल का इशू है या ट्यूब का इशू है या कुछ और है, क्या जो भी है वहाँ पे देख लेंगे, और एक बेसिक चेक भी हो जाएगा बाइक का। बेसिक चेकअप जो है वो ज़रूरी है, इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज जाते वक्त मुझे करचम तक रोड बहुत ही कच्चा मिलने वाला है, तो एक बेसिक टेस्ट करवा लेंगे, एक चेक करवा लेंगे वहाँ से। और उसके बाद टाइम राइट नाउ इज़ समवेयर अराउंड 9:15 AM, तो बाय द टाइम द व्हीकल रीचेस इट विल बी समवेयर अराउंड 9:30, 9:45, और बाइक के पॉइंट तक पहुँचते हम गेसिंग 10:30 हो जाएगा। बाइक को वहाँ से लोड करके जब तक हम लोग सांगला पहुँचेंगे इट शुड बी समवेयर अराउंड 12:30 इज व्हाट आई एम गेसिंग, 12 to 12:30, थोड़ा सा चेकअप करके उसको रिपेयर करके, एंड देन वहाँ से निकलते आराम से हो जाएगा 1:30, 2 o'clock, एंड वहाँ से बेसिकली ऐसा है कि करचम पहुँचते कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा मिनिमम। एंड अभी मुझे पता चला है कि करचम से लेके टिल नाको रोड्स आर प्रीटी ऑसम, बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है उसका, एटलीस्ट वो एक अच्छी बात है। बट देखते हैं, आज का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होने वाला है कि पहले करचम पहुँच जाए, फिर देखते हैं हाउ इट गोज। आई हैव मिस्टर सुधीर विद मी, ये जो होम स्टे है जिसमें मैं आज रुका हूँ। सुधीर जी कुछ बताइए होम स्टे के बारे में, गाँव के बारे में, अपने बारे में, थोड़ा कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। पापा जी ने करीब ऑलमोस्ट 35 साल पहले, तो आपने बोला कि करीब 35 साल पहले की घर बना है, तब आप लगा लो कि रूम रेंट 50 रुपये, ठीक है, और 150 मैक्सिमम। और उस टाइम पे ये रोड्स वगैरह थे यहाँ पे? रोड था, रोड 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 तो आप ना के बराबर 62 के बाद खुला हुआ, 62 से, लेकिन हाँ कच्चा रोड था, पक्का तो अभी कुछ सालों में ही हुआ। अभी इस कंडीशन को हम लोग कच्चा बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा मैं इमेजिन कर सकता हूँ। हमारे हिसाब से नीचे से आप लोग आएंगे तो आप लोग कैसे लगेगा ही, अभी जैसे आप देख रहे हैं करचम से यहाँ तक बेकार है, बहुत बेकार है। हाँ जी, लेकिन अब मतलब बीआरओ के अंदर चला गया है, तो मे भी शायद 2-3 सालों में वो सारे इम्प्रूवमेंट्स हो जाएंगे। बीआरओ तो मतलब उनका काम बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब ये जो है ये इंडिया का आखिरी विलेज है, इसके आगे तो तिब्बत बॉर्डर है ना, और एक और जो है सांगला से पहले दैट इज रक्षम, और ये जो है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं बहुत ही आइसोलेटेड प्लेसेस पे है ना, तो यहाँ पे आप लोग जब बर्फबारी होती है तो उस टाइम पर कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तुम्हारा इंटरनेट हो गया, तुम्हारा खाने वाने का सप्लाई हो गया, वो सब कैसे मैनेज करते हो? सर अब तो आप कुछ सालों से इतनी दिक्कत पड़ती नहीं, बर्फ इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन अदरवाइज उससे पहले भी और अभी भी सिस्टम ऐसे ही चला हुआ है, ठीक है। जैसे आपका हम लोग सर्दियों के लिए अक्टूबर के बाद से, ठीक है जी, अक्टूबर के बाद से जब जैसे साल में यहाँ एक फसल होती है, ठीक है, और एक फसल होने के बाद जैसे वो फसल क्लोज हो जाता है सारा कुछ, घास से लेकर सब कुछ, हम जैसे हमारे जो घर के छत है ना, ये आपका उसमें घास रहेंगे, ठीक है जी, और ये जो छोटे छोटे पठार हैं अगर आप दिखा, ये जो है तीन छोटे छोटे देख रहे हैं आप, बिल्कुल, ये है स्टोर हाउस, स्टोर हाउसेस, हाँ कठार बोलते हैं इनको ना। अच्छा, ऊपर देख रहे हैं अंदर घास पड़ी है, करेक्ट, हाँ ये गाय के लिए, और नीचे वाले उसमें लोअर कंपार्टमेंट में हम अपना अनाज वगैरह रखते हैं। अच्छा, हाँ जी, और ऊपर वाले में और कुछ और सामान। अच्छा ऐसा है, ऐसे ही आप जैसे घरों के आस पास देखेंगे लकड़ियों के ढेर वगैरह होंगे, वो हम सर्दियों के लिए,
अच्छा। तो अगर बर्फबारी पड़े भी, क्योंकि पहले ऐसा होता कि ऑलमोस्ट मतलब नवंबर के बाद जब कभी भी बर्फ पड़ जाती थी और ऑलमोस्ट अपना अप्रैल तक रोड खुलता नहीं था यहाँ। अच्छा। तब भी हमारे मतलब एक साल का पूरा राशन रहता है। तो बेसिकली आप स्टॉक अप करके रख देते हो, कभी ऑन सेफर साइड, रोड रहो या ना रहो अपना अपना देख। अच्छा। अब तो फिलहाल वैसे भी इतनी दिक्कत होती नहीं है। अच्छा। इतनी कम पड़ती है, बहुत ही कम पड़ती है। लेकिन अब लेकिन फिर भी हम स्टोर पूरा करके रखते ही अभी करके रखते हैं, वो सबसे अच्छा है। गुड गुड। तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो अभी कब तक टूरिस्ट को आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे? सर ये है कि थोड़ी अपना जैसे आपका रश थोड़ा कम हो जाएगा, अभी से ये मॉनसून आएगा, ठीक है, ड्यू टू मतलब अपना बैड वेदर और रोड कंडीशन की वजह से। अदरवाइज टूरिस्ट तो अगर रोड अच्छा रहा तो पूरे साल चले ही रहते हैं। लेकिन आपका जो मई और जून है वो आपका पीक सीजन है, पीक सीजन है। उसके बाद जो न्यू ईयर वाला है वो फिर उस टाइम भी थोड़ा काफी रश रहते हैं, मतलब मई जून सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका ये दिसंबर वाला जो न्यू ईयर के आसपास। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, और इससे पहले कि व्हीकल आ जाए जाके कुछ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बिकॉज सांगला पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाएगा, लंच का टाइम हो जाएगा, तो इससे अच्छा है यहीं पे कुछ खा लिया जाए। एंड गाइस, जस्ट वांट टू शो यू द व्यू राइट बिहाइंड मी, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ऑल्दो इट्स ब्राइट एंड सनी राइट नाउ, बट ठंड तो है, ठंड तो है। कल रात को यहाँ पे ऑलमोस्ट 8-9 तक पहुँच गया था टेम्परेचर, और यहाँ पे जो ठंडी हवा चलती है उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा लगता है। चलिए फिर निकलते हैं, फटाक से जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, लगेज रेडी करते हैं, एंड देन जैसे व्हीकल आ जाएगा लीव फ्रॉम हियर। ऑलराइट, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू चित्तूर। टाइम राइट नाउ इज 10:55 AM एंड राइड इज हियर, और अभी इसमें से निकलेंगे उस पॉइंट तक जहाँ पे बाइक पार्क है, देन विल लोड द बाइक और फिर सीधा सांगला निकलते हैं। सी यू इन सांगला। चले जस्ट रीच द स्पॉट वेयर द व्हीकल वॉज लेफ्ट यस्टरडे, कल जहाँ पे छोड़ा था, सांगला से एग्जैक्टली 18 किलोमीटर्स के बाद। चले चलो, हम बाइक तो चढ़ गए गाड़ी पे। पहाड़ों में ना थोड़ा सा भी जोर लगा तो हमारे लिए सांस फूलने लग जाती है। बाइक तो चढ़ गई है, थोड़ा सा रस्सी वस्सी बांधेंगे उसको ताकि गिरे ना, और नेक्स्ट स्टॉप सांगला 18 किलोमीटर्स और। ओके, सो क्विक अपडेट, तो कल से हम लोग जो सोच रहे थे कि पंक्चर नहीं है, पंक्चर नहीं है, टर्न्स आउट एक छोटे से पत्थर ने, नुकीले पत्थर ने पूरा काम बिगाड़ के रखा हुआ था, और अभी इसको हमने निकाला, इतना नुकीला है ये, कील से भी नोकीला पत्थर छोटा सा, इसकी वजह से पूरी बैंड बच गई है। बट ग्लैड पता चल गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो अभी पंचर लग रहा है यहाँ पे, एंड होपफुली बाय 3:30 आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। लगेज स्टार्ट हो गया बाइक पे, एंड टाइम राइट नाउ इज 3:20 PM। आज का प्लान तो शायद नहीं हो पाएगा नाको पहुँचने का, तो आई एम थिंकिंग बीच में रुक जाते हैं, कल्पा में रुक जाएंगे कहीं पे, तो विल सी हाउ इट गोज, बट फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, गॉट द पंक्चर फिक्स्ड, स्टार्टिंग द जर्नी अगेन, अभी हेडिंग टुवर्ड्स करचम। करचम पहुँच के करचम से राइट ले लेंगे, आई एम गेटिंग द टैंक फिल्ड अगेन, टॉप अप करवा रहा हूँ फिलहाल, इट्स ऑलवेज गुड टू गेट इट फिल्ड अप वेयर वी फाइंड पेट्रोल स्टेशंस, बिकॉज एक तो रिमोट लोकेशंस होने की वजह से इनके टैंक्स यूजुअली थोड़े से छोटे होते हैं कंपैरेटिवली कंपेयर टू द बिग सिटीज, एंड टूरिस्ट सीजन में यू नेवर नो, सो इट्स बेटर टू टॉप इट अप वेयरएवर यू कैन। पीछे का टायर प्रेशर देखना है ना, फुल है ना, चलो
बाइक फ्यूल्ड अप, प्रेशर ठीक लग रहा है टायर का। सो लेट्स हेड आउट। करचम एग्जैक्टली यहाँ से 15 किलोमीटर्स है, बट दिस 15 किलोमीटर्स इज गोना बी रियली पेनफुल। रोड की हालत बहुत ही बेकार है, एंड एज यू कैन सी इट्स प्रीटी डेंजरस। तो आई एम गोना गो एज स्लो एज पॉसिबल, जितना टाइम लगता लगने दो। 15 किलोमीटर्स करचम, करचम से आई थिंक 25 किलोमीटर्स मोर टू कल्पा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है एक आध किलोमीटर इधर उधर हो जाए, बट अप्रॉक्सीमेटली सांगला से आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स कुछ है कल्पा। तो दैट इज़ वॉट द प्लान इज। अभी देखते हैं, इट्स अराउंड 4, तो अगर मैं 6 बजे तक भी पहुंच पाया करचम, इवन देन इट्स स्टिल ओके। करचम 6 बजे तक पहुंच पाऊंगा तो भी ठीक है, बिकॉज आगे 2 घंटे मेरे पास बचेंगे जब तक लाइट होगा तब तक। 8 बजे तक तो कम से कम लाइट होती है यहाँ पे, तो इट शुड बी गुड इनफ। तब तक जाके कहीं पे सेटल हो जाएंगे, किसी होम स्टे या रिजॉर्ट में। आज एक दिन कल्पा में निकालेंगे, देखते हैं कल्पा में क्या है। नॉट वेरी श्योर, मैंने कुछ इसके बारे में पढ़ा नहीं है ज़्यादा, बट जो भी है विल एक्सप्लोर इट। देन कल करते हैं नाको। फाइनली बैक टू द मेन रोड, चितकुल से निकल के दिस इज द वेरी स्टॉप जहाँ से आप राइट लेते हो, देन यू गो टूवर्ड्स चितकुल। अभी मैं वापस आ गया मेन रोड पे, और जैसे मैंने सोचा था आई थिंक वही होने वाला है आज का जो टारगेट है। आई डोंट थिंक नाको हो पाएगा, तो कल्पा इज़ अराउंड 30-32 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और मैंने सुना रोड भी अच्छा है, तो होपफुली नेक्स्ट 1 आवर और सो आई शुड बी एबल टू रीच कल्पा। फील सो गुड सीइंग सच गुड रोड यार। पिछले 2 दिन से रोड के नाम पे सिर्फ कंकर पत्थर ही दिखे हैं चितकुल की तरफ। दिस वन फील सो गुड, सो गुड। और मैंने सुना है रोड बिल्कुल ऐसा ही है अंटल कल्पा। सो देखते हैं, विद इन एन आवर आई शुड बी एबल टू रीच कल्पा। डेवलपमेंट अथॉरिटी वेलकम्स यू रेकॉन्क्टियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। सो ऑफिशियली वी एंटर्ड रेकॉन्क्टियो। ओके, जस्ट रीच्ड कल्पा भाई। यहाँ पे तो सिर्फ होमस्टे हैं, सारे होटल्स एंड होमस्टेज, बस यही है सिर्फ। एंड बहुत ठंडा है यहाँ पे कंपेयर टू रेकॉन्क्टियो, ये बहुत ही ठंडा है। जस्ट रीच्ड कल्पा, टाइम राइट नाउ इज 8:35 PM, और रूम अच्छा मिला हिल व्यू के साथ में। इट्स 1500 पर डे, और कुछ इस तरह से दिखता है। आई मीन इट्स प्रीटी बेसिक, कांट कंप्लेन। लाइक आई सेड, आज का थोड़ा सा टायरिंग था दिन। सुबह में बाइक को ट्रक पे चढ़ाने से लेके सांगला में वेट करने तक, बिकॉज जब हम लोग गैराज पे पहुंचे देयर वर ऑलरेडी लॉट ऑफ व्हीकल्स वेटिंग फॉर हिज अटेंशन, द मैकेनिक्स अटेंशन। उसे वो सब क्लियर करके देन ही अटेंडेड आवर व्हीकल। बाद में पता चला कि हम लोग कल से तो वही सोच रहे थे कि कुछ पंक्चर नहीं है या फिर लीकेज हो सकता है बॉल से, दिस एंड दैट, बट टर्न्स आउट कि एक छोटा सा नुकीला पत्थर चुप गया था टायर के अंदर चुप के बैठ गया था, एंड देन इट वाज टेयरिंग द ट्यूब। फाइनली ट्यूब चेंज करना पड़ा, विच इज अ गुड थिंग। वी वांटेड ऑफ ऑल द टेंशन, मतलब अभी कल कहीं और निकलूंगा तो
एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं होगी कि पता नहीं क्या है, पंचर जुड़ा है उन लोगों ने, चलो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इट्स अ ब्रांड न्यू ट्यूब, तो वो एक रिलीफ है. एंड या द बेस्ट पार्ट इज द डिविएशन जो हमने ले रहे थे, मैंने लिया था मेन स्पीति वाली ट्रिप से, ऑब्वियसली सब लोग लेते हैं चितकुल जाने के लिए, बट वो एक छोटा सा ये होता है कि क्या होता है अगर गलती से यू नो लैंडस्लाइड्स वगैरह अगर हो गए, देन यू आर स्टक देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो एक हल्का सा टेंशन होता है. बट नाउ दैट आई एम बैक टू द मेन रोड, तो आज तो हम लोग कॉल डे, इट्स 8:35, आई एम टायर्ड, आई विल हैव माय डिनर एंड जस्ट क्रैश. कल का प्लान ये है कि कल सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से नाको के लिए, एंड जहाँ तक मैंने सुना है इट टेक्स अबाउट 2.5 to 3 hours टू रीच नाको. नाको एक्चुअली ऑल्टीट्यूड पे है, हायर ऑल्टीट्यूड पे है, स्टीप क्लाइंब है वो सुना मैंने, तो देखते हैं. बट रोड्स आर गुड इज व्हाट पीपल आर सेइंग, तो देखते हैं कल क्या एक्सपीरियंस होता है. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश डे कल, लेट्स सी, आई विल सी यू टुमारो देन, टेक केयर.